चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे ग्रैनी सुनो। अरे गाइस हमें जल्दी से ग्रैनी पे के पास में जाके की माफी मांगनी पड़ेगी। देखो मैं जाइंट कीको को भी लेके आ गया। सभी के सभी आ जाओ। अरे कहाँ अटक गए, जल्दी भाग के आ रहे। गाइस देखो जाइंट कीको भी माफी मांग रहा है हमारी जाइंट ग्रैनी के सामने। अरे ग्रैनी आ जाओ सभी के सभी आ जाओ। गाइस हमें जल्दी से माफी मांगनी पड़ेगी ग्रैनी, क्योंकि गाइस शिनचैन को किडनैप करके रखी हुई है ग्रैनी। स्कूल से ही उठा लिया ग्रैनी ने किडनैप शिनचैन को। अरे ग्रैनी कहाँ पे हैं? अरे गाइस ये देखो ये रहा हमारा शिनचैन किडनैप हुआ था। अरे ग्रैनी कहाँ पे गई? अरे कीको भैया अरे सुनो यहाँ पे ग्रैनी तो नहीं है, हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे शिवा अरे मैं तेरे को मार नहीं रहा, अरे मैं तो गन निकाल रहा हूँ। अरे हो सकता है ना ग्रैनी हमारे पे हमला कर दे। गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे जाइंट कीको एंड जाइंट शिवा भी यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हैं ग्रैनी के पास में। मगर दोस्तों हम आखिरी के अंदर कुछ खतरनाक यहाँ पे कांड करके जाएंगे, क्योंकि दिवाली है तो बम तो फोड़ने बनते हैं ना। मगर अभी गाइस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ग्रैनी ने हमारे शिनचैन को किडनैप कर रखा है। जाइंट ग्रैनी जाइंट लिटिल सिंगम प्लीज हमें माफ कर दो। जाइंट कीको प्लीज माफी मांगते रहो। गाइस मैं इसको टच भी नहीं कर सकता, जेल भी नहीं तोड़ सकता, यहाँ पे ग्रैनी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको टच कर दिया तो मेरे को करंट का झटका लग जाएगा। दिखाऊं तुम्हें? अरे नहीं झटका लग गया, बच गया। गाइस देखा ना तुमने, झटका लग रहा है मेरे को करंट का। गाइस देखा ना तुमने, वो देखो सामने कीको आ रखा है एंड हाँ भी हमने शिनचैन को किडनैप कर रखा है। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, हम शिनचैन को नहीं जाने देंगे। हाँ भैया कीको कलरफुल कीको क्या कर रहे हो, हमसे माफी मांगो, तुमने हमारे साथ में जो गलत किया। हमारे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनकी टांगे तोड़ दी, उनको नंगा नचाया। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए सभी के सभी कीको। अब तुम्हारी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना मैं, तुम सोच भी नहीं सकते। वो देखो गाइस जाइंट कीको हमसे माफी मांग रहा है, जाइंट शिवा भी हमसे माफी मांग रहा है। अरे ग्रैनी यार प्लीज हमें माफ कर देना यार। अरे ग्रैनी सुन यार, देख हमारा जाइंट कीको और जाइंट शिवा दोनों माफी मांग रहे हैं। ग्रैनी प्लीज यार हमें माफ कर दे यार, अब तुम्हारे छोटे बच्चों के साथ में कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज यार माफ कर देना। गाइस पता है हमने ना ग्रैनी के बच्चों को किडनैप कर लिया, उसके कपड़े खोल दिया और तो और उनको नंगा नचाया ये सब किया था। बट अच्छी बात यह है गाइस शिनचैन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गाइस बचा हुआ है अभी तो शिनचैन, बचा हुआ है। शिनचैन को ग्रैनी ने किडनैप कर लिया मगर वो छोड़ ही नहीं रही। अरे कीको के बच्चे मैं नहीं माफ करने वाली, तुमने जो मेरे बच्चों के साथ में किया है ना, मतलब उनको नंगा नचाया पूरी क्लास के अंदर, आज मैं उसका बदला लूंगी। चलो तुम सब नाचने लग जाओ, अगर तुम नाचोगे नहीं तो मैं शिनचैन को बिजली के झटके दूंगी। जल्दी से नाचने लग जाओ वरना तुम, और हाँ और थोड़ी देर बाद फिर बाद में कपड़े भी खोल देना, ठीक है ना, उसके बाद नचना। गाइस आज इनको जो नचाएंगे ना गाइस, जो तुम सोच भी नहीं सकते कितना मजा आने वाला है। सोचो जॉइंट कीको नाचेगा, जॉइंट शिवा नाचेंगे, कितना मजा आएगा इन्होंने मेरे बच्चों के साथ में जो किया आज मैं इनके साथ में करने वाली हूँ। अरे हाँ हाँ ग्रहणी हम माफी मांगते हैं, प्लीज हम नाचते हैं, रुको हाँ नाचने लग जाओ गाइस, नाचने लग जाओ, बहुत बढ़िया। अरे वाह शिवा तो माफी मांग रहा है, अरे क्या ही नया अलग जानदार तरीके से माफी मांग रहा है, क्या बात है शिवा, हाँ माफी मांग। और वो देखो हमारा दूसरा कीको भी माफी मांग रहा है, अरे प्लीज नाचो नाचो जल्दी नाचो। गाइस अगर नाचेंगे नहीं तो ग्रैनी हमारे कपड़े खुला के नचाएगी भाई, हमें कैसे भी करके बचना है इससे। अरे दोस्तों चक्कर क्या है, यहाँ पे कीको शिवा शिनचैन क्यों नहीं है? मुझे घर के अंदर पूरी जगह देख लिया मैं, चारों तरफ मुझे मिल ही नहीं रहे, आखिर वो चले कहाँ गए? हे भगवान ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, कहीं वो स्कूल तो नहीं गए हैं? अरे शिनचैन के तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, शिनचैन की तो छुट्टियां आ चुकी है, तो स्कूल तो जाना मुश्किल है भाई, स्कूल तो नहीं जा सकते, फिर कहाँ गए होंगे? अरे यार गाइस सब मुसीबतों की एक ही जड़ है ग्रैनी, चलो जल्दी से पहले ग्रैनी के पास में जाके पूछ के आता हूँ भाई हमारे शिनचैन शिवा कीको कहाँ पे चले गए। और गाइस यार बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है गाइस मेरी, क्योंकि भाई मेरे पीछे पड़ चुका है काल और मुझे जल्दी से मदद लेनी है शिवा शिनचैन कीको की, और भाई कैसे भी करके वो ही मेरे को बचा सकते हैं। काल अपने साथ में मॉन्स्टर लेके आ चुका है भाई मेरे पीछे पड़ाने के लिए, अभी गाइस मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा शिनचैन के पास में और ग्रैनी के पास में, लगता है ग्रैनी के पास में ही हो सकते हैं वो लोग, मगर ग्रैनी के पास में क्या कर रहे होंगे यार ये नहीं समझ में आ रहा, मुसीबत की जड़ साली ग्रैनी ही है,
ग्रैनी का दोस्त है काल। ग्रैनी, अरे आइडिया 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 गाइस, क्यों ना मैं रास्ते में कुछ बॉम्ब्स वगैरह लेके चलूं ग्रैनी का मॉन्स्टर को मारने के लिए। अरे हाँ, ये चीज मैं पहले भी तो सोच सकता था ना यार, पता नहीं यार। अरे एक सेकंड गाइस, पता नहीं गाइस शिनचैन पता नहीं वहाँ पे क्या ही कर रहा होगा उनके पास में। अबे ये क्या, ग्रैनी एकदम लड़ाई पोजीशन में है और शिनचैन और शिवा माफी मांग रहे हैं। अरे भाई कीको शिवा माफी मांग रहे हैं, आखिर चक्कर क्या है यार, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई। ग्रैनी ये माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे यार बहुत बड़ी समस्या हो गई है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा आखिर समस्या है क्या। चलो एक बार जल्दी से घर के अंदर चलता हूँ मैं और फिर जाके पूछता हूँ। ये क्या, अबे यहाँ पे शिवा कीको नाच क्यों रहे हैं यार, वो भी ग्रैनी के सामने। इतनी क्या नौबत आ गई गाइस, ग्रैनी के सामने इनको नाचना पड़ रहा है। हे भगवान, ओए शिवा शिनचैन क्यों? अरे गाइस मुझे छुप करके रहना पड़ेगा गाइस, क्योंकि शिनचैन को ग्रैनी ने किडनैप कर रखा है। मगर क्यों? हे कीको कीको चुप रहना, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, ठीक है ना, चुप रहना तू, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। अभी देखते हैं गाइस ये ग्रैनी क्या करने वाली है, साले कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगी ना सीधा फोड़ देंगे। अरे ग्रैनी, अरे यार प्लीज, हम काफी ज्यादा थक गए हैं, अरे प्लीज यार अब नाचना तो बंद करवा दो यार। अरे कीको अब नाचना बंद करो भाई, काफी देर तक थक गए हैं। अरे ग्रैनी प्लीज अब तो छोड़ दे हमारे शिनचैन को। अरे ना ना बच्चू ना, अभी तो तुम कपड़े पहन के नाच रहे हो, कपड़े पहन के मुझसे माफी मांग रहे हो, अभी तुमसे कपड़े भी खुलवाऊंगी, चिंता मत करो, पहले नाचो तो सही। आज मैं तभी छोड़ूंगी, तब तक शिनचैन थक नहीं जाता। शिनचैन देख ले, तेरे बच्चों को, तेरे दोस्तों को देख, कपड़े खुला के नचा रही हूँ। क्योंकि गाइस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई इन्होंने मेरे बच्चों को नंगा नचाया था स्कूल के अंदर, आज तो भाई बदला लेना बनता है कि नहीं बताओ। इतनी गंदी हरकतें करते हैं ये लोग, इनका तो बदला लेना बनता है भाई। अरे शिवा शिवा चिंता मत कर यार, वो देख पीछे लिटिल सिंह भैया आ चुके हैं, अब वो हमको बचा लेंगे, चिंता मत कर। हाँ थोड़ी देर इनको नाचते रहो, चिंता मत करो, कपड़े नहीं खुलने देंगे, चिंता मत करो। अगर इसने कपड़े खोलने के लिए बोला को यही कपड़े खोल के नचा देंगे, अकेली है ये दोस्तों, चिंता मत करो। बस इसके पास एक जॉइंट ग्रैनी तो है, हमारे पास जॉइंट कीको, जॉइंट लिटिल सिंह, जॉइंट शिवा सब है, चिंता मत करो, हम इसकी आज बैंड बजा देंगे। नाचना बंद करो दोस्तों, अब नाचना बंद करो, बहुत हो गया, अब देखते हैं ग्रैनी क्या बोलती है। दोस्तों चिंता मत करो, अब नाचना बंद करो भाई, चिंता मत करो, नाचना बंद करो। अरे कहाँ तू एक जगह नाच रहा है भाई, रुक जा अब, चिंता मत करो। अरे ओए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, नाचना बंद क्यों कर दिया सालो, शर्म नहीं आती क्या? ऐसे मारूंगी ना तुम लोगों को, इतना दूर उठा उठा के फेंकूंगी। देखो अब देखो, तुमने मेरी ताकत नहीं देखी होगी ना, मेरी ताकत तुम लोगों से 10 गुना ज्यादा है। ये देखो एक मुक्का साले को इतना दूर पहुंचा देगा ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। नाचना बंद क्यों किया है रे, तुमने नाचना बंद क्यों किया, मेरी ताकत तुम्हें इतना इतना जोर जोर से मारेगी ना सालो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये मारा खिंचा करके, नाचना बंद मत करो, मैं बता रही हूँ अगर मैंने शिनचैन को मार दिया, अरे मेरे पे गोली चला रहा है साले, रुक तू अभी रुक, हमारे पे गोली चलाएगा है, हमारे पे गोली चलाएगा, इतना बड़ा हो गया चला, समझ में नहीं आता इसको। अरे गाइस ये क्या, ग्रैनी के पास में इतनी सारी शक्तियां कहां से आने लग गई है, ये बात तो मेरे को पची नहीं रही, ग्रैनी इतनी ताकतवर कब से हो गई? जॉइंट ग्रैनी तुम लोग क्या कर रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओए जॉइंट कीको, जॉइंट शिवा, अब तुम लोग माफी मांगना बंद करो, ठीक है बहुत हो गया तुम्हें माफी मांगना, बस अब बंद करो, बहुत हो गया, अब इनसे बदला लेने का टाइम आ चुका है, चिंता मत करो गाइस। कलरफुल ग्रैनी यहाँ पे नहीं है, ये अकेली ग्रैनी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चिंता मत करो साले को, मैं अभी पेल के आ जाऊंगा, अभी रुको बस रुको, मैं थोड़ा देख लूं आखिर ये करना क्या चाहती है। अरे कीको शिवा, करना तो मैं तुमसे तुम्हारे साथ में बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर धीरे धीरे करूंगी ना, धीरे धीरे, सबसे पहले तो सबको चाटा मार के सुला दूंगी, उसके बाद में इनको नंगा नचाऊंगी पूरे शहर के अंदर। तुम क्या सोच रहे हो, एक घर के अंदर? अरे ना बाबा ना, मैं पूरे शहर के अंदर नचाने वाली हूँ अब इनको, चिंता मत करो, बहुत हो गया, इन्होंने बहुत हद पार कर दी भाई, अब तो इनकी बैंड बजनी पड़ेगी भाई, बजानी पड़ेगी। जॉइंट ग्रैनी 2-3 बॉम्ब यहाँ पे फोड़ के दिखाओ जरा अपनी जादुई शक्ति से। दोस्तों ग्रैनी ने पूरा का पूरा आसमान सर पे उठा रखा है, कितनी सी बात के लिए, कि मेरे बच्चों ने उनके बच्चों के कपड़े फाड़ दिए और पूरे शहर के अंदर नंगा नचाया, और इसके कारण ग्रैनी को गुस्सा आ गया और ग्रैनी ने शिनचैन को किडनैप कर लिया, और शिनचैन की मदद से वो सभी के सभी कीको
और सभी के सभी शिवा को पूरे शहर के अंदर नंगा नचाने का प्लान बना रही है। जाइंट कीको, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। अरे हमने जो किया हमने अच्छा किया, और अब जो हम ग्रैनी के साथ में करने वाले हैं वो तो अभी और भी अच्छा करने वाले हैं। अब देखो गाइस, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना भाई मैं व्हाइट ग्रैनी से ही बदला लूँ, सीधा व्हाइट ग्रैनी को ही सीधा का सीधा सूर्य शहर के अंदर नचाऊं। क्या सोचते हो भाई शिवा, क्या सोचता है, मारा जाए कि छोड़ दिया जाए? क्या शिवा बता, क्या करना चाहिए ग्रैनी का? मैं तो सोच रहा हूँ कि मार दिया जाए भाई, सबसे बढ़िया सबसे शानदार चीज है ये। क्या अभी अभी मैंने यहाँ पे, अरे भाई साहब अभी अभी मैंने यहाँ पे लिटिल सिंघम को देखा। लिटिल सिंघम कैसे आ गया यहाँ पे? ओए जायंट शिवा, हमसे कुछ छुपा रहा है क्या? नहीं सच सच बता दे जायंट शिवा, सच सच बता दे, हमसे कुछ छुपा रहा है तो बता दे, क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं छुपा मेरे घर के अंदर। अभी रुको गाइस, कैमरा चेक करके आती हूँ फिर बताती हूँ इनको। कैमरे के अंदर सब कुछ आ जाता है। अभी रुको गाइस, अभी जाती हूँ मैं कैमरे के अंदर चेक करके आती हूँ, अभी मुझे पता पड़ जाएगा आखिरकार आया कौन है। एक सेकंड, मुझे कैमरे की जरूरत चेक करने की है ही नहीं, लिटिल सिंघम पहले ही मिल गया। साले लिटिल सिंघम तेरी हिम्मत कैसे हो रही है रे, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के अंदर हमला करने की? पारो साले को पकड़ पकड़ के, ये पहला, रुक जा। अभी गाइस मैं अपनी कलरफुल गैंग बुलाती हूँ, क्योंकि इसको तो लगती ही नहीं है ना। दोस्तों मेरे हाथ में तुम ये बिजली के झटके देख पा रही हो? अरे ये बिजली के झटके मैं मारने वाली हूँ लिटिल सिंघम के पाँव के अंदर। वो देखो बोरा बोरा लिटिल सिंघम, साले रुक, लिटिल सिंघम रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहीं पे होगा लिटिल सिंघम, साले रुक जा, लिटिल सिंघम तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर हमला करने की? शिनचैन अभी रुक जा, मैं तेरे को नंगा ना चाहूंगी, तेरे को भी चिंता मत कर। अरे ये रे लिटिल सिंघम, ओए रुको रे रुको, तुम्हारी तो गाइस ये लोग सभी के सभी भाग के कहाँ जाएंगे? इनको मैं सभी को एक साथ में जला दूंगी। रुको रुको रुको, तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। अरे इसने हमको हम पे हमला किया। रुको 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 रुको, ये देखो ये रहा एक शिवा। ए रुक 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 लिटिल सिंघम, बाला भाग के जा रहा है, कहाँ जाएगा भाग करके तू? पेड़ो पेड़ो पेड़ो, अरे मेरे पे हमला हो रहा है। गाइस मेरे पे कौन हमला कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मगर मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि मुझे इनके ऊपर हमला करते रहना है लगातार। इनके पास ऊपर हमले रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस ये हम पे जो हमले इतने खतरनाक डेंजर वाले करते हैं ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अरे आइडिया, मैं अभी अपना जादुई तरीके से सभी के सभी क्लोन्स बना लेती हूँ ना। अरे हाँ, मेरे को ये पहले क्यों नहीं आइडिया आया? रुक जा, ओए लिटिल सिंघम के बच्चे, रुक रुक रुक, तूने हमारे पे हमला कैसे किया? देख रहे हो गाइस, मैं अपनी जादुई शक्तियों से इनके ऊपर हमला कर रही हूँ, और इतनी ताकत के साथ में कर रही हूँ कि वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये पड़ा अब पानी के अंदर, तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। गाइस मुझे लगता है यही है असली लिटिल सिंघम, क्योंकि ये छुपने की कोशिश कर रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा, ये तेरी तो अभी इसको जला देती हूँ मैं, और जो भी होगा लिटिल सिंघम सभी को जला दूंगी। ओए तूने एक शिवा को मार दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिटिल सिंघम, तू तो मेरी टीम से ही है, मगर मेरी टीम से मेरे को क्यों मार रहा है ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी धमाकेदार खतरनाक लड़ाई हो रही है, मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। इधर आ इधर आ साले, आग जलते हुए को मार रही हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों ग्रैनी मारी और हम ना मारे, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर आ साले ग्रैनी, रुक जा तू। अब गाइस इनके ऊपर जो मैं पिलाई करने वाला हूँ ना, हमारी कलरफुल जाइंट ग्रैनियों का बदला लेके रहूंगा। इधर इधर पेलो पेलो पेलो, धमाधम तरीके से, कोई भी नहीं रुकना चाहिए। इन सभी ग्रैनी को इतना बुरी तरीके से मारना चाहिए कि वो लोग सोचे और वो लोग रोए जब इनको पता पड़े हमारे लिटिल सिंघम को तुम ऐसे करोगी, बताओ। बस बहुत हो गया दोस्तों, बहुत हो गया। ओए जाइंट कीको अब रुक जाओ तुम, जाइंट शिवा शिनचैन रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैं ग्रैनी को बस अब बहुत मार लिया है, अब नहीं मारेंगे। कलर है कहाँ पे ग्रैनी, मुझे तो दिखी नहीं रही। सभी के सभी ग्रैनी मर गए, इतनी जल्दी कैसे नहीं मर सकती यार, इनको मारो मारो मारो, फिनिश करो। रुक जा ओए ग्रैनी, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है? ये पड़ी खिंचा करके इतनी पावर के साथ मैं अटैक करूंगा ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। चलो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, हमने ग्रैनी को मार दिया और हमारे शिनचैन को बचा लिया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट।